तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें क्या करना है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल बना दिया, जैसे सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि जो सी है वो जिससे OS अटैच है वो दो सी से अटैच है तो उसे कहेंगे सेकेंडरी, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके, तो ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब H2 रिमूव होगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, जो ये हाइड्रोजन निकाला आपने ये बॉन्ड यहाँ से इधर को खींच देगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो कीटोन बन जाता है। अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल लिया, प्राइमरी का मतलब कि जो OH है वो जिस C से अटैच है उसका नेक्स्ट क्या है, CH3 है, तो ये बन गया आपके पास प्राइमरी एल्कोहल। अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो जैसे आपने हाइड्रोजन रिमूव करेंगे कहां से, देखो एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, एक यहां से रिमूव होगा, दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और फिर क्या होगा, यहां से जो ये हाइड्रोजन निकलेगा ये बॉन्ड बना देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इस जो ये है आपका जैसे ये आपका हो गया CH3CH2OH, तो हाइड्रोजन एक यहां से निकलेगा एक इनमें से निकल जाएगा, तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक H बचेगा, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। तो जब प्राइमरी को आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और जब सेकेंडरी को करोगे आप तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, तो सेकेंडरी कीटोन। एल्कोहल इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्राइमरी एल्कोहल अंडरगो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब, डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, डिहाइड्रोजनेशन यानी डी का मतलब रिमूवल, तो जब आप क्या करोगे, रिमूव करोगे हाइड्रोजन को तो क्या बनेगा, अभी मैंने बताया था, देखो प्राइमरी एल्कोहल का अगर आपने हाइड्रोजन डबल रिमूव, बॉन्ड बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। हाँ तब ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। यही चीज है, देखो अभी था कि ये प्राइमरी एल्कोहल का मतलब CH3CH2 का मतलब यहाँ पे दो एच हो गए और OH, ये प्राइमरी एल्कोहल। अब आपने इसका डिहाइड्रोजनेशन का मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया और ये बॉन्ड यहाँ से इसके बीच में चले जाएगा, तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी बन गया ये CHO, CHO का मतलब क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, तो ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20, HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विद, HBr है जो इनमें से सबसे फास्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा, पहला है इसमें 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन है, 1-ऑल का मतलब फर्स्ट में OH है और 2-मिथाइल का मतलब सेकंड में CH3 ग्रुप है, तो पहला ये हो गया। सेकंड है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, यानी 1-2-3 है, 2-मिथाइल है और 2-ही-ऑल है। थर्ड है इसमें कि प्रोपेन 2-ऑल यानी 3 कार्बन है और इसमें 2 में ऑल है यानी यहाँ पे ऑल है, और फोर्थ वाला है कि प्रोपेन 1-ऑल यानी 3 कार्बन है और फर्स्ट में, तो इनमें से सबसे जल्दी रिएक्शन HBr किसके साथ करेगा, सेकंड वाले के साथ, क्योंकि कार्बोकैटायन है उसमें। हाँ तो ये कार्बोकैटायन, जब भी HBr होगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और कार्बोकैटायन किस रूल पे करता है, टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है। इसमें प्राइमरी चेक करना पड़ेगा, देखो ये OH कौन सा है, ये टर्सरी हो गया, टर्सरी क्यों हो गया, क्योंकि 3 C से अटैच हो गया, 1-2-3, तो इसकी रिएक्शन फास्ट होगी। इसे चेक करो, देखो इसमें ये प्राइमरी वाला है तो इसमें रिएक्शन स्लो हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये जो C है ये सेकेंडरी है क्योंकि इसमें 2 कार्बन अटैच है, 1 एंड 2, तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन होगा, सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, इसको देखो ये प्राइमरी है, ठीक है, तो प्राइमरी क्योंकि ये जो सी है वो एक ही सी से अटैच है, बस एक ही साइड है सी बस, ठीक है, तो ये प्राइमरी यस सबसे लास्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए
बी इज द राइट आंसर, बी में सबसे फास्ट होगा। अब 21 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिक का मतलब एच प्लस कौन जल्दी निकालेगा यहां से, ये एच प्लस निकाल के आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा? नहीं, इसमें देखो H प्लस निकाल के किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, देखो A, अच्छा। A तो बिल्कुल नहीं है, A तो सबसे लास्ट है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से जैसे आप ये निकालोगे माइनस चार्ज आएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ये भी इसको निकालोगे, ये भी इसको निकालोगे, तो रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन इनमें से कौन होगा, देखो इनमें से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाँ ये वाला उसमें आंसर जो है रॉन्ग है इसका, ठीक है ये वाला नहीं है आंसर, ये गलत है, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये वाला, ये जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, ध्यान रखना। NO2 है स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा रिंग में उतना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। इसका कम हो जाएगा, देखो CH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखो मेन क्या है कि ये ऑक्सीजन को अपने डेफिशिएंट बनाना है, जिससे वो क्या करेगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा उसको जल्दी निकाल देगा। अब ये नॉर्मल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसमें तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, ये इसको दे देगा, ऑक्सीजन फुलफिल हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हटाएगा नहीं। इस केस में क्या है, ये विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये विड्रॉ की वजह से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किस पे फोर्स लगाएगा, इस हाइड्रोजन को जल्दी से बाहर निकालेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हाँ। इसको रिलीज कर देगा, ठीक है, इसीलिए बी। अब इन तीनों में से देखो, ये तो लास्ट ही है, इसको छोड़ देते हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बी का, फिर सी का, फिर डी का, क्योंकि डी में डोनेटिंग है तो डोनेट कर रहा है, डोनेट करेगा तो ये तो फुलफिल हो गया, तो ये रिएक्शन होगी नहीं जल्दी से, तो डी, और फिर सबसे लास्ट में ये, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता नहीं, तो रेजोनेंस को हम ज्यादा पावरफुल मानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है, सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो एसिड का मतलब जो ये H प्लस को, H को जल्दी रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, OH वाले H, और इसमें फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन होता है, आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज्यादा फ्लोरीन होंगे उतना क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, इसमें कौन सा आंसर होगा? सब में तो एक ही फ्लोरीन है, लेकिन नहीं इसमें दो है ना, ये देखो F2, अच्छा इसमें दो, और एक डिस्टेंस का भी फर्क पड़ता है, देखो डिस्टेंस, तो इसमें देखो दो फ्लोरीन है, और ये कौन से नंबर पे है फ्लोरीन अटैच, देखो सेकंड नंबर पे अटैच है, यहाँ पे भी ये सेकंड नंबर पे अटैच है, यहाँ पे कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अटैच, और यहाँ पे भी थर्ड पे, 1 2 3 नंबर, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सी होगा, सी वाला, क्योंकि इसमें दो फ्लोरीन है, फिर उसके बाद फिर ये वाला, ए वाला नहीं, बी वाला नहीं, इसमें दो, बी वाला जो पास होगा, जो जैसे फ्लोरीन पास है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्या करेगा कि इसको डेफिशिएंट बनाएगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करके इसको रिलीज कर देगा, तो इसमें डिस्टेंस का फर्क पड़ता है, जो पास वाला होता है उसका ज्यादा होता है, तो ये पास है, देखो 1 सेकंड पोजिशन में, ये थर्ड है, थर्ड दूर हो गया, ये भी थर्ड है, तो ये दूर हो गया, ठीक है, तो इसीलिए अब इन दोनों में बताओ ए और डी में से कौन होगा, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो सबसे ज्यादा तो सी हो गया, फिर बी हो गया, ये ए और डी में से कौन होगा? ए होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ये तो दे रहा है, ये खींच रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, उसे मिनिमाइज कर देगा इसके इफेक्ट को, तो इसके कंपैरिजन में ए ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ए और लास्ट में डी,
ये ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्टेम। अब क्वेश्चन नंबर 23 यही जैसे मैंने अभी बताया था आपको, देखो वही क्वेश्चन आ गया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका सबसे ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर ये थर्ड वाले का, हाँ फिर फर्स्ट वाले का और फिर सेकंड वाले का। हाँ बस ये देखो ये डोनेट विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेन काम क्या है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा इसको बाहर कर देगा, तो इसीलिए थर्ड सबसे ज्यादा। तो थर्ड कौन है देखो, ये एक ही आंसर है बस। इसके बाद ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, अब ये डोनेट करेगा यहाँ से तो ये इसकी डेंसिटी बढ़ गई, ये हाइड्रोजन को निकालेगा नहीं, इसीलिए सबसे कम हो गया, तो बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, अभी हमने डिस्कस किया था इसमें, नाइट्रोफिनॉल। हाँ नाइट्रो, देखो अभी नाइट्रो ग्रुप कहा था ना हमने, ये फिनॉल है और फिनॉल में कौन दूसरा क्या है, नाइट्रो ग्रुप का मतलब यहाँ पे NO2 ग्रुप लग गया, नाइट्रो मतलब NO2, तो NO2 ग्रुप क्या होता है स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये H जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल। अब इन दोनों में से देखो CH3 है, ये मिथाइल है, मिथाइल का मतलब CH3, ठीक, तो अब मैं चारों के स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो पहला इथेनॉल तो सबसे कम है, तो इसको तो छोड़ दो, एरोमेटिक का एलिफैटिक का अलग केस हो जाता है, एरोमेटिक में देखो यहाँ पे आ गया OH और यहाँ आ गया NO2, दूसरे में देखो ऑर्थो मिथाइल, मिथाइल का मतलब CH3 ग्रुप लग गया और यहाँ OH आ गया, वन टू, और ये तीसरा है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी का मतलब ऑक्सी ग्रुप यानी O ग्रुप लग गया, ओ सी एस थ्री। अब बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा तो फर्स्ट हो ही गया नाइट्रो ग्रुप का, अब इन दोनों में से कौन होगा, ये मिथाइल होगा या मिथॉक्सी होगा? अब मिथाइल नहीं, मिथॉक्सी ज्यादा होगा। हाँ मिथॉक्सी क्यों होगा, देखो ज्यादा क्योंकि मिथॉक्सी में क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, अब जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, इसीलिए इसकी पावर कम होती है, रेजोनेंस की पावर ज्यादा होती है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है, अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहा है, जब ज्यादा बढ़ाएगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो कम एसिडिक होता है, इसीलिए कौन सा ज्यादा होगा पहले ये सॉरी हाँ ये मिथाइल वाला ज्यादा होगा, ज्यादा मिथाइल होगा यानी टू, और सबसे लास्ट में थ्री, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वो लेस एसिडिक, जो कम करेगा वो ज्यादा एसिडिक, और ये कम कर रहा है देखो ये क्या विड्रॉइंग ग्रुप है खींचने वाला, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो क्या करेगा एच जल्दी निकल जाएगा बाहर, तो जो खींचने वाला है विड्रॉइंग ग्रुप है उस वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जो डोनेट करेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, When ethanol is heated with HI and red phosphorus, then it form. क्या बनाएगा ये? देखो red phosphorus और HI, ठीक है, ethanol के साथ हो गया, ethanol का मतलब C2H5OH, तो इस केस में क्या बनेगा? इथेन। ये करता क्या है, जो इसका काम है देखो एच आई ग्रुप कौन सा होता है पता आपको? हैलोजन ग्रुप। एच आई नहीं, मतलब कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ एच आई कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, एच आई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हर एक को रिड्यूस कर देता है, ध्यान रखना एच आई का क्या है, जैसे आपको ये दे दिया आपके पास सी एस थ्री सी ओ एच, तो ये रिड्यूस करेगा, इसको मतलब ऑक्सीजन इसको रिमूव कर देगा यहाँ से, ठीक है, और हाइड्रोजन को ऐड करवा देगा,
तो इसका बन जाएगा C2H6, यानी क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ध्यान रखना ये एसिड है और एसिड से इथेन बन गया आपके पास एच आई की प्रेजेंस में। एच आई होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लेकिन अच्छा ये एच आई है, अच्छा सॉरी मुझे लगा आई टू है। देखो इसमें दो रिएक्शन है, अगर ये रेड फॉस्फोरस आ जाएगा, रेड फॉस्फोरस आई टू के साथ, तो ये दोनों मिलके बना देते हैं पी आई थ्री, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा पी सी एल थ्री, ठीक है, ऐसी पी आई थ्री होता है। अब अगर ये पी आई थ्री रिएक्शन करेगा तो वो क्या करता है कि जहां पे ओ एच होगा इस ओ एच को हटाएगा और यहाँ पे आई लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सी सी आई, ठीक है। तो ये बन जाता है इथाइल आयोडाइड। अगर ये केवल आई टू होता तो आई टू, अगर ये आई टू होता रेड फॉस्फोरस के साथ तो ये ओ एच को हटा के आई लग जाता, ठीक है। लेकिन ये एच आई है, एच आई क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना ये हर एक को रिड्यूस कर देगा। जैसे मैंने आपको दे दिया एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन को हटाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा, तो ये तब भी क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा, यानी इथेन बन जाएगा। चाहे आप इसको एसिड लाओ, ठीक है, चाहे इसमें एल्डिहाइड ले आओ, चाहे आप इसमें क्या लाओ, कीटोन ले आओ, चाहे आप इसमें ले आओ एल्कोहल, कोई भी ले आओ, वो ऑक्सीजन को हटा के क्या करेगा, वहां पे हाइड्रोजन लगाएगा। तो एच आई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, वो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करवा देगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें एच आई की प्रेजेंस में ये इथेन ही देगा, सही है। एच आई किसी को भी क्या करेगा, एल्केन में चेंज कर देगा किसी को भी। और ये आई टू होगा, अगर यहाँ पे आई टू, तो आई टू में ये वाला बनेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे नहीं दिया इसने और यहाँ पे दे दिया केवल रेड फॉस्फोरस आई टू, तो ये बन जाता इथाइल आयोडाइड, ठीक, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस और आयोडीन मिलके बना देते हैं पी आई थ्री, और ये क्या करेगा, जहां पे ओ एच है ओ एच को हटा के आई लगा देता है, जैसे हमने उसमें करते पी सी एल थ्री, जैसे ये 1,2-OH, और अगर मैंने इसमें लिया है पी सी एल थ्री, तो ये सी एल क्या करेगा, ओ एच को हटाएगा, सी एल आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे होता है पी आई थ्री होता है, तो पी आई थ्री क्या करेगा, जहां पे ओ एच होगा वहां पे हटा के आई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई टू होना चाहिए, तो एच आई है, एच आई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, तो इसलिए बी आंसर सही है, इथेन, ठीक। तो ये 25 क्वेश्चन अभी आपके कंप्लीट हो गए। एक बार आपने अभी क्या करना है, इसको 25 करके फास्ट, क्योंकि ये तो अभी देख लिया आपने, फिर से दोबारा एक 25 और करने अभी आपने, कितना टाइम लगेगा उससे करने में, आधा घंटा लग जाएगा या एक घंटा, तो फिर 4:30 हो गए, 5:30 या 6 o'clock में फिर हम ज्वाइन होते हैं, 5:30 के आसपास। इसे मुझे अभी करके दिखा दो, ये तो 15-20 मिनट में हो ही जाएगा, 10-15 मिनट में 25 तक, ठीक है। इसको फिर से रिवाइज करना है, बिना देखे हुए रीजन भी आना चाहिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट 25 या 30 फिर कर दो दोबारा, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है फिर, थैंक यू सर।